सुषमा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही हैं। जेल में भी उन्हें चैन नहीं मिल रहा है। राज को 14 डेज की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब 2 अगस्त को इसकी वापस सुनवाई होने वाली है। इस मामले में राज कुंद्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पुलिस के सामने एक और बड़ा सबूत सामने आया है जो कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। इस बीच पुलिस ने कुछ फिल्मों को भी जब्त किया है। जब हॉटशॉट ऐप से 51 ऐसी आपत्तिजनक फिल्में सामने आई हैं जो कि अब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी दोनों की मुसीबतें बढ़ा सकती हैं। बता दें कि आप लोग अभियोजक ने शनिवार को बॉम्बे एससी यानी हाईकोर्ट को सूचित किया कि मुंबई अपराध शाखा द्वारा 2 ऐप से ऐसी आपत्तिजनक फिल्में जब्त की गई है और इन फिल्मों का सीधा कनेक्शन राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से बताया जा रहा है। राज के लिए जेल में एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि राज कुंद्रा लगातार उनके वकील कोर्ट से उनकी बेल की गुहार लगा रहे हैं। राज को 27 जुलाई को कोर्ट ने 14 डेज की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और अब सेशन कोर्ट में फिर से अंतरिम जमानत के लिए सुनवाई होगी 2 अगस्त को। शिल्पा शेट्टी पर भी है शक। पुलिस की टीम ने शिल्पा शेट्टी से भी कड़ी पूछताछ की और इतना ही नहीं, पुलिस ने शिल्पा को क्लीन चिट नहीं दी, क्योंकि उनके इस प्रकरण में शिल्पा के शामिल होने का शक इसलिए क्योंकि उन दोनों का ही जॉइंट अकाउंट है और उसमें काफी ज्यादा भारी मात्रा में ट्रांजेक्शन हुए हैं, इसीलिए शिल्पा शेट्टी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है। तो दोनों की ही मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ जाएगी जब ये 2 एप्लीकेशन ऐसी सामने आई है जिसमें कि 50 से भी ज्यादा मूवीज उनके हाथ लगी है पुलिस वालों के, जो कि इन दोनों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अब देखना है मामला कहां तक पहुंचता है और कब इसका जो है सारे काले चिट्ठे सामने आते हैं।